चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। कर्मचारियों में से 87,000 हम ड्यूटी पे तैनात, उसमें से 41,500 ड्यूटी एक ही झटके में साफ कर दी। होमगार्ड बेरोजगारी के कगार पे खड़ा है। जब होमगार्ड की जरूरत नहीं है, बजट नहीं है, तो विभाग को ही डिसमिस कर दो। क्या जरूरत तो है वेतन अधिकारियों की, उन्हें किसी अन्य विभाग में एडजस्ट कर दो, ताड़ा लगा दो, दफ्तर किराए के सब बंद करके अपना बजट स्थिति सुधार लो। कम से कम हम अपना कोई ऐसा रोजगार देख कर अपने बच्चों का भरण पोषण तो करेंगे। हमको पड्डे के हिसाब से मिल रहा, अब 672 के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है वो भी अभी तक नहीं मिला। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये था कि तुमको एक कांस्टेबल के समान वेतन मिलेगा। रेल की पटरी निकले लगो, सरकार देगी 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़। जब बजट कहाँ से आएगा? हमारे 672 करे, 800 का बजट मांगा था, चलो 800 नहीं दिए, 672 दिए, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन उसमें भी ड्यूटी कम कर दी हमारी, ड्यूटी तो चलाओ हमारी कम से कम। हमारे बच्चों में, हमारे अंदर इतनी खुशी आई थी कि हमारी परमानेंट ड्यूटी होगी, अच्छा हमारा लालन पालन होगा, हमारे बच्चों का अच्छे पढ़ लेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं रहा। अब दिवाली पे देखो कितनी खुशी हो रही थी सभी के मन में, लेकिन सब कुछ खत्म कर दिया इस सरकार ने। भूखे मरने की नौबत आ गई, घर में हमारे चूल्हा नहीं जलने का। भाजपा सरकार का एक नारा था सबका साथ सबका विकास, वो बिल्कुल उल्टा हो गया, सबका नाश सबका विनाश और सबको हो गया इस बात का विश्वास। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होने की, हमें ड्यूटी पे नहीं लिया जाने का, हम हटने वाले नहीं हैं। हम अपने बच्चों को भी लाके यहीं बिठाएंगे।